जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो पढ़ना है, और ये टॉपिक जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है, और ये फर्म के शॉर्ट रन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिसीजंस होते हैं उसके लिए भी जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, या इसको हम CVP एनालिसिस भी कह सकते हैं। C फॉर कॉस्ट, V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रॉफिट। तो इसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं CVP एनालिसिस। तो ये यहाँ तक बात समझ में आती है। असल में ये तीन वेरिएबल हैं जिनका आपस में हमने लिंक जो है वो डिस्कस करना है। एक कॉस्ट है, एक वॉल्यूम है, एक प्रॉफिट है। ये तीन वेरिएबल का हमने आपस में लिंक करना है। वॉल्यूम का मतलब होता है आउटपुट, वॉल्यूम मींस आउटपुट। तो एक्चुअली हमने वॉल्यूम को लिंक करना है दो वेरिएबल्स के साथ, यानी वॉल्यूम को हमने लिंक करना है या आउटपुट को लिंक करना है हमने प्रॉफिट के साथ, और वॉल्यूम को ही हमने लिंक करना है कॉस्ट के साथ, यानी दोनों वेरिएबल्स को हमने लिंक करना है। तो यानी आउटपुट जो है वो किस तरीके से प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, और आउटपुट ही किस तरीके से कॉस्ट को अफेक्ट करती है, ये है एक्चुअली क्वेश्चन। तो इसमें ये देखना है कि आउटपुट में तब्दीली होने की वजह से कॉस्ट में कैसे तब्दीली आती है, और ये हमने कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ा है पहले, और देन फिर आउटपुट में तब्दीली होने की वजह से प्रॉफिट में कैसे चेंजेस आते हैं। तो एक्चुअली ये तीन जो हैं वो फंक्शंस जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, तो दैट इज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि रेवेन्यू इज़ ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, तो ये रेवेन्यू फंक्शन है, ये हमने आज डिस्कस कर लेना है। तो रेवेन्यू फंक्शन, और देन फिर वी हैव द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं। ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो आउटपुट और वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअली ये अब क्या डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन ये हो रही है कि अब देखे ना, आउटपुट में तब्दीली की वजह से कॉस्ट में तब्दीली आनी है, आउटपुट में तब्दीली की वजह से रेवेन्यू में तब्दीली आनी है, और आउटपुट में ही तब्दीली की वजह से प्रॉफिट में तब्दीली आनी है। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू है ये दोनों आस्पेक्ट हैं किसके, भला प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट की इक्वेशन हमें आनी चाहिए। तो प्रॉफिट क्या है, दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और फिर हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू हमने पहले समझा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस को हमने क्वांटिटी से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कितनी कितनी आउटपुट को, कितनी आउटपुट को किस कीमत पर बेचकर सेलर ने कितना जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये टोटल रेवेन्यू होता है। और देन फिर हमें टोटल कॉस्ट का फार्मूला भी आता है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि
रेवेन्यू की इक्वेशन, और देन फिर हमें कॉस्ट की इक्वेशन, और देन फिर हमें प्रॉफिट की इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो ये इन, और ये अब आप जरा नोटिस कीजिए यहाँ पे कि जो रेवेन्यू है वो पी इन टू क्यू है, कॉस्ट ये है, और इन रेवेन्यू और कॉस्ट से हमने क्या फाइंड करना होता है, प्रॉफिट फाइंड करना होता है। यानी रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो एक्चुअली ये है कि मैंने जो भी आपको बताया कि आउटपुट जो है, ये जो आउटपुट है, आउटपुट में चेंजेस की वजह से कॉस्ट में जब चेंज आएगी, रेवेन्यू में चेंज आएगी और प्रॉफिट में चेंज आएगी। और यही चीज़ चेक करना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, यानी वॉल्यूम जो है यानी आउटपुट जो है वो किस तरीके से, वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, और इसी तरीके से वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से जो है वो कॉस्ट को अफेक्ट करती है। तो वॉल्यूम का ही लिंक हमने, वॉल्यूम मीन्स आउटपुट, तो आउटपुट का ही हमने लिंक करना है किसके साथ भला, प्रॉफिट के साथ, और वॉल्यूम का ही हमने लिंक करना है कॉस्ट के साथ, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मैंने अभी बताया आपको कि इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या मतलब है? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कहें तो ये चीज़ है ना, ये देखें यहाँ पे जो मैंने बात की, एंड दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट है ना, तो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। एंड और अगर हम ये कहें कि ये प्रॉफिट ज़ीरो है, नो प्रॉफिट आ गया ना, ज़ीरो प्रॉफिट मीन्स नो प्रॉफिट, तो ये ज़ीरो प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है ब्रेक इवन एनालिसिस, और ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कि जिसके अंदर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब है ब्रेक इवन प्रॉफिट। और ये कब होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए हमें, हमारे पास दो टूल चाहिए। दो टूल कौन कौन से हैं? एक तो हमें रेवेन्यू की इक्वेशन चाहिए और एक हमें कॉस्ट की इक्वेशन चाहिए। तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों से हम क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो प्रॉफिट ज़ीरो होता है, ये कब होता है? ज़ाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि इस सूरत के अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि इसी इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा तो प्रॉफिट ज़ीरो होगा ना, ये समझ रहे हैं? यानी फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 50 है फॉर एग्जांपल, और आपकी जो कॉस्ट है वो भी कितनी है, 50 है, तो प्रॉफिट क्या आएगा, ज़ीरो। कॉस्ट भी उतनी है और प्रॉफिट रेवेन्यू भी उतना है, तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़ीरो। यानी इसका मतलब जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगी वो जो पॉइंट होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहां पर टोटल रेवेन्यू, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, क्योंकि इस जगह पर प्रॉफिट क्या होगा, इस जगह पर प्रॉफिट ज़ीरो होगा। तो जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाए वहाँ पर उसको ब्रेक इवन पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है हमें कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहेंगे, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, या इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए, एक ही बात है कि जहाँ भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। और बराबर होने का मतलब ये है, बराबर होने का क्या मतलब है, बराबर होने का मतलब ये है कि दोनों, अगर हम इनके कर्व्स बनाएंगे तो दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे,
ठीक है ना, यानी बोथ बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स वुड इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर दोनों टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट क्या हो जाएंगे, वहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, और जहां दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो सो प्रॉफिट वहां पे क्या होगा, जीरो। और जीरो प्रॉफिट का मतलब क्या है, जीरो प्रॉफिट का मतलब है नो प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट का मतलब क्या है, ब्रेक इवन। तो इसका मतलब वहां ब्रेक इवन आपके पास पॉइंट जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहां तक बातें कुछ समझ में आ गई हैं आपको। अच्छा, अब ये देखिए कि हमें ये बात क्लियर हो गई है कि हमें एक्चुअली दो जो है वो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, एक टोटल रेवेन्यू पे और एक टोटल कॉस्ट पे, और ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है और ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद आपको कुछ दो चार कॉन्सेप्ट और भी समझ में आने चाहिए। वो क्या है कि आपको एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला भी आना चाहिए। तो एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू जो आप फाइंड करेंगे पी को क्यू से मल्टीप्लाई करके, ये आपके सामने ये वाला टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन आपको नज़र आ रही, तो आपने सिंपली टोटल रेवेन्यू जब कैलकुलेट हो जाएगा उसको क्यू पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आपको पता है कि चेंज ले लेते हैं, तो चेंज लेंगे टोटल रेवेन्यू और उसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन आउटपुट से, तो इसको हम डी भी लिख सकते हैं, डी टी आर, टी मीन्स डेरिवेटिव ओवर डी क्यू। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है। तो ये टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के फार्मूलाज भी हमें आने चाहिए। ये आपके सामने मैंने इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है, ठीक हो गया जी। तो ये टोटल एवरेज रेवेन्यू और ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, मज़ीद ये कि आपको ये भी पता हो कि एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू को ज़रा मज़ीद देखें इसी को ही। तो इसका फार्मूला ये है, एवरेज मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू यही है ना, ये वाली पी इन टू क्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को इस जगह पे पुट करें, जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी इन टू क्यू और डिवाइडेड बाय नीचे फिर क्यू आ जाएगा, और ये क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी आपके पास बच जाता है पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये समझ आया कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी आपने समझ ली बात, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, ये रूल समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद ये है कि ये तो सारे रेवेन्यू के हैं, बाकी मैंने कॉस्ट के चैप्टर में आपको मज़ीद सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो आपको एक फार्मूला कॉस्ट का मज़ीद आना भी चाहिए, वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। क्यों आना चाहिए वो मैं भी बताता हूँ आपको कि ब्रेक इवन जो पॉइंट तो मैंने समझाया आपको, एक ब्रेक इवन, एक ये है कि ब्रेक इवन आउटपुट जो है वो भी आपको अगर फार्मूले से निकालने के लिए दे दी जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो उसको हम कह देते हैं क्यू, क्यू मीन्स आउटपुट और बी फॉर ब्रेक इवन। तो उसका फार्मूला हमें आना चाहिए, और फार्मूला बड़ा सिंपल है, वो ये है कि टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना जी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता है, प्राइस का भी पता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमने पहले समझा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला लिख देता हूँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी भला, वो होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास आ जाती है स्टोरी। और यहाँ पर अगर हम ये जो ब्रेक इवन आउटपुट का मैंने आपको फार्मूला समझाया है,
ये आप अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड एनी न्यूमेरिकल, यानी वो आपको दे सकता है, आपको इसमें तीन चीज़ें दे देगा, बाकी आप उसमें से फाइंड कर लेंगे। यानी इस अगर हमें ब्रेक इवन आउटपुट फाइंड करनी है तो व्हाट वी नीड ओनली थ्री कॉस्ट, थ्री थ्री थिंग्स, दो चीज़ें कॉस्ट की और एक प्राइस है। यानी टीएफसी का पता होना चाहिए हमें, और हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पता होना चाहिए, टीएफसी का पता होना चाहिए और प्राइस का पता होना चाहिए। तो हम इस फार्मूले से ब्रेक इवन आउटपुट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और एवीसी का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर ये लिख दिया कि ये क्या होता है, ये इसके लिए, ठीक है ना, ये एवीसी का फार्मूला। तो इसकी फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि ये जो इसके ये इसका टीएफसी को आपने पी माइनस एवीसी से डिवाइड करना है, तो ये जो पी माइनस एवीसी है इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सिर्फ नीचे वाली ये चीज़ को, यानी पी में से अगर एवीसी माइनस कर दें तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, पर यूनिट इसको कहते हैं, यानी इसको हम ये कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कहते हैं, ठीक है ना जी। यानी इसको ब्रेक इवन आउटपुट को हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक इवन आउटपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रेक इवन आउटपुट इज इक्वल टू, यानी क्यू बी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पी माइनस एवीसी है जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम सी एम पर यूनिट कहते हैं, तो इसकी जगह इस तरीके से भी ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके भी हम फाइंड कर लेते हैं, हम फर्ज करते हैं कि फर्ज कर लेते हैं एग्जांपल इधर से ले लेते हैं, ठीक है ना जी। और फर्ज कर लेते हैं कि टीएफसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 40 है, ठीक है ना जी। और प्राइस हम अस्यूम कर लेते हैं 5 रुपये, और एवीसी की वैल्यू हमें फर्ज कर लेते हैं कि वो है 1। तो ये अब हम इसमें क्यू बी फाइंड करना है, यानी ब्रेक इवन आउटपुट फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे टी एफ सी ओवर पी माइनस एवीसी, तो यहाँ से क्यू बी की वैल्यू फाइंड करें, टी एफ सी कितना होगा 40 ओवर, और ये क्या होगा पी कितनी है 5, एवीसी कितना है 1, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा 10। तो 10 जो है ये ब्रेक इवन आउटपुट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, तो ये हमने फाइंड कर ली। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको मैंने अभी बताया कि ये जो ब्रेक इवन, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है या ब्रेक इवन जो है वो एनालिसिस है, उसमें एक बात जहन में रखें कि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। और हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक टोटल रेवेन्यू और एक टोटल कॉस्ट का डाटा चाहिए हमें, और इन दोनों को बराबर करना है। जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और ये जो आपके सामने आ रही पॉइंट, और ये अगर हम कर्व की शक्ल में देखेंगे तो दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ बराबर हो जाएंगे, जहाँ बराबर होंगे वही ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें समझ आना चाहिए, और ब्रेक इवन आउटपुट, जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वहीं ब्रेक इवन आउटपुट आ जाएगी, जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वहीं पर ही क्या आएगा, उसी जगह पर ही ब्रेक इवन आउटपुट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इसको अगर हम मजीद समझना चाहें तो एक टेबल से भी समझ सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैं आपको एक टेबल से ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें आसान हो जाए। तो एक टेबल बना लेते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं आगे, लेकिन ये फार्मूलाज हमें जो हैं वो आने चाहिए। अच्छा जी, टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कर लें,
हमारे पास क्या है, आउटपुट है, क्यू मीन्स आउटपुट, और ये आउटपुट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। उसके बाद हमारे पास जो डेटा है, फॉर एग्जांपल वो है प्राइस का डेटा। तो प्राइस जो है वो हम फर्स्ट कर लेते हैं सेम रहती है 5, 5, 5, 5। अब ये जो प्राइस सेम रहती है इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि प्राइस तो चेंज होती है, तो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस की एक लिमिटेशन में आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो वो अभी लिमिटेशन हम जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो एंड पे डिस्कशन करेंगे, तो ये वाली बात यानी एतराज़ हम कर सकते हैं कि प्राइस चेंज हो सकती है, तो ये लिमिटेशन में आएगा, ये बात वहाँ पर भी करेंगे जाके, अभी फ़िलहाल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू, क्योंकि टोटल रेवेन्यू के लिए हमें ये दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। देखें, टोटल रेवेन्यू के लिए हमें प्राइस चाहिए होती है और क्यू चाहिए होता है, और दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है हमें, तो हम टोटल रेवेन्यू का फार्मूला यहाँ पे लिख भी देते हैं, यानी पी इंटू क्यू, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 5 × 0, 0 आ जाएगा, ठीक है ना जी। और उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 5 को 2 से करें तो 10, है ना, 15, फिर 20, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, 30, 35, 40, 45 और ये 50। ये टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब ये है कि एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, और मैंने आपको समझाया था अभी एक बात कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही होती है, अभी समझा हमने, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही होती है। ये देख, ये वाली एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है, ये भी कैलकुलेशन करके भी दिखाई। तो अगर हम ना भी करें तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम प्राइस और ये सेम है, लेकिन हम इसको करके भी देख लेते हैं कि आती है वाकई सेम या नहीं। तो फार्मूला हमें ये आता है एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का, एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हमें आना चाहिए ना, एवरेज रेवेन्यू। तो ये अगर हम करते हैं तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी एवरेज रेवेन्यू को आपने आउटपुट से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो सॉरी टोटल रेवेन्यू को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है आउटपुट से। तो टोटल रेवेन्यू हम फाइंड कर चुके हुए हैं, ये टोटल रेवेन्यू है हमारे पास, इसको क्या करना है, हमने आउटपुट से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। करें तो ज़ीरो को तो ज़ीरो से डिवाइड नहीं करना है ना हमने, तो इसको तो हम डैश लगा देते हैं। अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखेंगे आप कि सब पॉइंट्स पर क्या आएगा, 5 आता चला जाएगा। तो अब ज़रा ये देखें, चीज़ प्रूफ भी हो गई, क्या वाला प्रूफ हो गया कि यहाँ से हमें समझ आ गई कि जो वैल्यू एवरेज रेवेन्यू की है वही प्राइस की, दोनों का जो कॉलम है वो सेम है, ठीक हो गया। तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना आ गया। अच्छा, देन आगे चलें तो एमआर कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला भी आता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ये अभी मैंने आपको समझाया था, ये वाला फार्मूला ये आपके सामने, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना जी। तो चेंज फाइंड करें टोटल रेवेन्यू में, तो वो आप फाइंड करते चले जाएं। अच्छा जी, तो यहाँ पर चेंज फाइंड करेंगे और यहाँ पर फिर चेंज इन आउटपुट, तो 5 − 0 करेंगे तो 5 आएगा, 1 − 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो जवाब क्या आएगा, 5। इसी तरीके से इधर चेंज फाइंड करें, 10 में से 5 माइनस करें तो चेंज आ जाएगा 5 का, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का, तो फिर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 15 में से 10 माइनस करेंगे तो चेंज आएगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 5, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सारा ये भी देखेंगे इसी तरीके से, ये सब का जवाब क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। अब एक चीज़ और नज़र आ गई यहाँ पे कि अगर प्राइस सेम हो,
है ना, ये देखें अगर प्राइस सेम रहे, ये कॉलम देखें जरा, अगर प्राइस सेम रहे तो फिर ए आर तो सेम आता ही है, एम आर भी सेम आ जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि प्राइस सेम रहे। ये बस जहन में रखनी है बात, प्राइस अगर सेम होगी तो फिर ये एक नई बात है जो आपको समझा दी। इफ़ प्राइस इज सेम, ये मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये आपसे टॉपिक से रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात समझा देता हूँ कि इफ़ प्राइस इज सेम देन ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, ये बात आपने समझनी है। लेकिन ये बात अगर नहीं भी मतलब आपको समझ में आती, प्राइस अगर सेम रहती है तो फिर ए आर एम आर और पी तीनों के कॉलम सेम बनेंगे। चेक कर लें तीनों के कॉलम सेम है कि नहीं है, तीनों को मैंने ये इसको ब्लू से हाईलाइट किया है, तो तीनों का देखें जवाब 5 5 5 ही आ रहा है, ठीक है ना, तो प्राइस सेम होने की वजह से। अच्छा बहरहाल, लेकिन एक बात जो जर्नल, दो बातें समझ आई, एक तो ये कि ए आर और पी तो हमेशा सेम ही आएंगे जो मर्जी हो जाए, ए आर और पी तो हमेशा सेम ही आएंगे, लेकिन अगर पी सेम है तो फिर एम आर भी सेम आएगा, ये दो बातें समझ आ गई, ठीक है ना जी। अच्छा अच्छा, इससे आगे चलें, नेक्स्ट हम एम आर कैलकुलेट कर चुके, ये सारा रेवेन्यू एनालिसिस हो गया ना, रेवेन्यू एनालिसिस के अंदर हमने तीनों रेवेन्यू पढ़ ली हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, और कॉस्ट में आपको पता है दो कॉस्ट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि ये शॉर्ट रन से रेलिवेंट है, ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का ताल्लुक किससे है वाला मैंने भी बताया आपको कि इसका ताल्लुक जो है वो आपके शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ है, यानी दैट इज रेलिवेंट टू फर्म्स शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये इससे इसका ताल्लुक है। तो शॉर्ट रन है तो इसका मतलब है कि फिक्स कॉस्ट अब आएगी फिर, ठीक है ना जी, इसका ताल्लुक एक इससे है, और दूसरा इसका ताल्लुक जो है वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी है। ये अब जब आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी है, बहरहाल हमें इससे, मुझे तो गर्ज नहीं है, मुझे इससे गर्ज है, ठीक है ना जी। अच्छा बहरहाल, तो अब इसका मतलब ये कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस शॉर्ट रन से ताल्लुक रखता है, लॉन्ग रन से नहीं रखता। तो शॉर्ट रन से रखता है तो फिर फिक्स कॉस्ट भी आएगी और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर, और फिक्स कॉस्ट हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो 40 है, तो आपको पता है कि वो फिक्स कॉस्ट जीरो पर भी पॉजिटिव होती है, तो ये 40 आ जाएगा हर आउटपुट लेवल के सामने, 40 ठीक हो गया जी। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए भला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डाटा चाहिए, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डाटा मैं आपको दे देता हूँ। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट के हिसाब से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है कि वो हर यूनिट पर 1 1 1 उसमें एडिशन होता चला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो पर तो ज़ीरो आनी थी ना, ज़ीरो मैंने यहाँ लिख दिया है गलती से, तो ये दोबारा कर लेते हैं। तो ज़ीरो आउटपुट पे हम पता है वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है, ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना जी, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डाटा है आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको पता है कि टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है,
ये आपके सामने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इन दोनों को हमने ऐड कर देना सिंपली। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनको ऐड करें तो 40 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 प्लस 1 41 आ जाएगा, 42 फिर आ जाएगा, 43, 4, 7, 48 और इसी तरीके से इसको ऐड करते जाएं, 40 प्लस 9 49 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा जी, 50 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा अब हमें मज़ीद ये है कि एक दो चीज़ें और फाइंड कर लेते हैं। एक एवीसी फाइंड कर लेते हैं। एवीसी का फार्मूला होता है टीवीसी को आप क्यू पे डिवाइड कर दें। तो टीवीसी आपके पास है, ये देखें टीवीसी, इस कॉलम को इस कॉलम पे आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास एवीसी जो है वो आ जाएगा। तो एवीसी फाइंड कर लें तो वो क्या आएगा, तो वो आपके सामने वन को अगर हम टी वी सी को वन पे डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा, फिर टू को टू पे डिवाइड करेंगे, है ना, तो टी वी सी को हमने क्यू पे डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखें वन ही आता जाएगा सब पे, ये सब जगहों पर क्या आता जाएगा, वन ही आता चला जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये आपके पास ए वी सी का डाटा आ गया। अच्छा नाउ फाइनली फाइनली क्या है हमारे पास, फाइनली ये है कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। और प्रॉफिट का फार्मूला हमें आता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, अच्छा अब इसमें जो है वो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला देखते हैं। टोटल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू ये है हमारे पास और टोटल कॉस्ट कहाँ है, ये टोटल कॉस्ट है, सॉरी ये टोटल कॉस्ट है और ये टोटल रेवेन्यू है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये दोनों जिनको मैंने ग्रीन कर दिया। अब ये दोनों कॉलम हमारे काम के हैं, ये क्योंकि क्योंकि हमें ये दोनों ही रिक्वायर्ड थे एक्चुअली, ये देखें क्योंकि हमें किससे गर्ज है, हमें टोटल रेवेन्यू से और फिर टोटल कॉस्ट से और फिर तीसरा प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। ये प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉफिट उसके लिए टोटल रेवेन्यू रिक्वायर्ड है, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड और फिर इसको हमने माइनस करना है आपस में, तो ये हम कर सकते हैं। तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू। जैसे टोटल रेवेन्यू यहाँ पर चेक करें कितना है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे चेक करें कितना है, ज़ीरो आउटपुट पे तो वो ज़ीरो है और टोटल कॉस्ट कितनी है, 40 है, तो ज़ीरो माइनस करेंगे 40 तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा माइनस 40। तो ये प्रॉफिट की इक्वेशन है लेकिन इसमें प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब आपको पता है कि लॉस होता है, नेगेटिव प्रॉफिट मीन्स लॉस, तो ये आपके पास माइनस 40 आ जाएगा। और देन फिर अगेन आप देखें कि टोटल रेवेन्यू कितना है, 5 है और टोटल कॉस्ट कितनी है, 41 है, तो फिर आप इसको फाइंड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, माइनस 36। तो इसी तरीके से आप ये करते चले जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इन सब जगहों पे आप चेक करें तो आपको कहाँ तक भला ये सारा टोटली जो है वो लॉस ही नज़र आएगा यहाँ पर। ये सारा आप कैलकुलेशन अब कर लीजिएगा ये सारी, तो यू कैन सी कि यहाँ पर भी एंड तक देखें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके, यानी ये जो पॉइंट है दिस वन दिस सॉरी ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही तो ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों भला, क्योंकि इस जगह पर चेक करें तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना नज़र आ रहा है, 50 और टोटल कॉस्ट भी कितनी नज़र आ रही है, 50। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों क्या हो गए, सेम। तो जहां पर दोनों सेम होते हैं वहां पर प्रॉफिट क्या आएगा, ज़ीरो। और जहाँ यही वो पॉइंट है जो ब्रेक इवन पॉइंट है,
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में हमने कहा था ना कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये आपके सामने है इसकी इक्वेशन। तो ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर होने चाहिए, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे प्रॉफिट क्या आएगा? ज़ीरो। तो ये देखें यहाँ पे प्रॉफिट क्या आया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो आया हुआ है। तो दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो आउटपुट आई है यहाँ पे, ये ब्रेक इवन आउटपुट आ गई। ये समझ आ गई बात? ये आपके पास आ गई ब्रेक इवन आउटपुट, और वो कितनी आई है? वो 10 आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट क्या आ गया? ज़ीरो। ज़ीरो प्रॉफिट मींस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी, टोटल रेवेन्यू क्या हो गई है? बराबर होगी। जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगी, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गया? ज़ीरो प्रॉफिट। तो ज़ीरो प्रॉफिट मींस ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपसे पूछें व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है जी, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इस दसवीं आउटपुट को हम ब्रेक इवन आउटपुट कहेंगे ना। और लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि इससे ऊपर अगर हम चेक करेंगे, तो इससे ऊपर सारा जो आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट, वो नेगेटिव ही आ रहा है, यानी नौवीं आउटपुट तक। देखें ना, यहाँ पर 45 है रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी है? 49 है। तो यहाँ पर -4 तक आ गया। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन अब आपने करके देख लेनी है, यहाँ तक जो है वो आपके पास नेगेटिव प्रॉफिट आएगा, और नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब जो है वो लॉस है। अब पहले तो नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है, फिर ज़ीरो प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम टेबल को मज़ीद एक्सटेंड कर लें तो फिर पॉजिटिव प्रॉफिट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको एक्सटेंड कर भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखें कि जो हमने एग्जाम्पल ली थी वो इसके साथ मैच हो रही है ना। ये जो भी हमने एग्जाम्पल ली थी कि TFC कितनी है? 40। तो TFC हमने कितना लिया था यहाँ पे? 40 लिया था। और यहाँ पर इसको इस टेबल में देखें तो TFC कितना है? चेक करें, ये TFC है आपके सामने, कितना दिया हुआ है? 40 आ रहा है ना। ये सारा कॉलम चेक करें आप, दिस वन, ये सारा 40 है ना, ठीक। अच्छा, फिर इसी एग्जांपल में मज़ीद देखें कि प्राइस हमने कितनी ली है? प्राइस ली है हमने 5। तो प्राइस 5 ली हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करें, प्राइस का कॉलम चेक करें, प्राइस देखें, ये दूसरा कॉलम है, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने इसलिए इससे मैच की है एग्जांपल। अच्छा, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितनी फाइंड की थी हमने एग्जाम्पल में? ली थी 1 ली हुई थी, ठीक है ना जी। तो आप ज़रा इस एग्जांपल में देखें ABC कितना आ रहा है। ये आपके सामने ये वाला कॉलम है, सेकंड लास्ट, ये ABC है, ये आपके सामने, और ये कितना ABC आ रहा है? सब जगहों पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1, ये तीनों एग्जांपल करके जब हमने ब्रेक इवन आउटपुट फाइंड की थी तो वो कितनी आई थी? तो ब्रेक इवन आउटपुट कितनी आई थी? 10। ये ब्रेक इवन आउटपुट है ना, ब्रेक इवन आउटपुट कितनी फाइंड की थी हमने? 10। तो अब इसको, इस टेबल से भी कितनी ब्रेक इवन आउटपुट निकली है? ये आपके सामने ये आउटपुट का कॉलम है, पहला कॉलम, ये पहला कॉलम आउटपुट का कॉलम है, और ब्रेक इवन आउटपुट कितनी फाइंड की है? 10, ये आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी कैलकुलेशन करके या उस फार्मूले से जवाब जो है वो क्या आता है? सेम आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रॉफिट जो है वो क्या आ रहा है वहाँ पर शुरू शुरू में। इसका मतलब शुरू शुरू में जो इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट्स होती हैं उन पे प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव आता है, और उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है जिस पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, जिस पे प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है। और उसके बाद अगर हम आउटपुट में एक्सटेंशन कर लें तो फिर जाहिर सी बात है कि मज़ीद जो है वो देखा जा सकता है कि क्या फ़र्क पड़ता है किस पे वाला, तमाम चीज़ों के ऊपर। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है ज़रा, ठीक है ना। उसमें क्या करना है आपने, इसको 20 तक ले जाना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 20 तक आपने इसको ले जाना है, और इसकी सारी अब ये कैलकुलेशन करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है।
ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, इसको एक्सटेंड कर लेना है आपने, ठीक है। फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं टेबल में, ये वाले फार्मूले और ये सारी लिखी हुई चीज़ें, ये आपने इसी तरह से इसको एक्सटेंड कर लेना है। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया है, और इसको भी मैं अगर कर लूँ ऐसे जैसे ये मैं कर रहा हूँ, प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना जी। तो टोटल रेवेन्यू अगर फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो टोटल रेवेन्यू मैं सिर्फ ये दो कर लेता हूँ, टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे कितना आएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, ये 60 आएगा, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से अगर टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, तो ये देखें एक एक यूनिट इसमें ऐड होता जा रहा है, 50, 51, 52 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 51, 52 और ये क्या आएगा 53 है ना, और ये सो ऑन। जब आप इसको आप यहाँ तक लेके आएंगे टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को, तो यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो अब ये दो चीज़ें असल में हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो प्लस में आएगा, और वो क्या आएगा 40, क्यों भला, क्योंकि 100 माइनस 60 करेंगे तो 40। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी रेंज के अंदर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट कर लें प्रॉफिट, तो ये सॉरी रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो 11 × 5 करेंगे तो 55, तो 55 में से 51 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये देखें जीरो के बाद प्लस में आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसको मज़ीद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सारी ये कैलकुलेशन, तो ये आप चेक करेंगे कि यहाँ पर सारी जगहों पर जो प्रॉफिट आएगा वो पॉजिटिव प्रॉफिट आ जाएगा। तो पॉजिटिव प्रॉफिट का ये इसके बाद इसका मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया प्रॉफिट, पहले ये नेगेटिव प्रॉफिट होगा, फिर ज़ीरो होगा, और फिर प्लस में चला जाएगा। तो अगर हम प्रॉफिट का भी कर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट का कर्व आपको नज़र आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट आउटपुट के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि आउटपुट देखें यहाँ ज़ीरो से शुरू होकर 20 तक जा रही है, और प्रॉफिट जो है -40 से शुरू होकर +40 तक आ गया, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो आउटपुट का प्रॉफिट के साथ फिर रिलेशनशिप क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और ये बात हमने यहाँ पे की थी कि आउटपुट का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो पॉजिटिव है। रेवेन्यू का भी पॉजिटिव है, और कॉस्ट का भी रिलेशनशिप आउटपुट के साथ या वॉल्यूम के साथ क्या है, पॉजिटिव है। तो इन तीनों के कर्व फिर पॉजिटिवली स्लोप बनेंगे, अभी हम बनाते हैं कर्व भी, तो इन तीनों के कर्व्स फिर कैसे बनेंगे, पॉजिटिवली स्लोप बनेंगे। आप इसको डेटा में भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू और ये रेवेन्यू और आउटपुट का रिलेशनशिप चेक करें, दोनों ये देखें आउटपुट बढ़ रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ये देखें आपके सामने, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इसी तरीके से कॉस्ट के साथ देखें तो कॉस्ट आउटपुट बढ़ रही है, ये देखें, और कॉस्ट भी देखें क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो इसका भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, इसका कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप होगा। इसी तरीके से आउटपुट को प्रॉफिट के साथ देखें, ये प्रॉफिट वाला आखिरी कॉलम है और पहला कॉलम आउटपुट का है, तो ये देखें -40 से +40 तक चले गए, है ना, तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी पॉजिटिवली रिलेशनशिप है, दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन तीनों के कर्व फिर पॉजिटिवली स्लोप बनेंगे, अभी हम बनाते हैं कर्व भी इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक जी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, तो ये मैंने आपको 22 आउटपुट लेवल पे लेके आ गया हूँ, एक आउटपुट लेवल है 10 का और एक है 20 का। 20 के ऊपर आपको जो है वो टोटल रेवेन्यू की कैलकुलेशन भी नज़र आ गई और टोटल कॉस्ट की भी आ गई, और देन फिर आपको इस जगह पर प्रॉफिट भी नज़र आ गया कि यहाँ पर इसके ऊपर रेवेन्यू कितना होगा और फिर कॉस्ट कितनी होगी, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग वी हैव। अच्छा, अब इसी चीज़ को जारी सी बात है कि अगर हम मज़ीद समझना चाहते हैं तो कर्व के जरिए भी समझ सकते हैं, तो कर्व्स बना लेते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के कर्व्स बनाते हैं ताकि इसको मज़ीद समझ सकें। और अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर क्यू है, क्यू का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम या आउटपुट एक ही बात है। अच्छा, और ये हमारे पास
यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हम प्लॉट करेंगे, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये आपने खुद भी प्लॉट कर लेना है, मैं बगैर डेटा के प्लॉट कर रहा हूँ अभी फिलहाल तो, लेकिन आप लोगों ने इसको डेटा के साथ प्लॉट करना है तीनों कर्व्स को, यानी कौन कौन से तीनों कर्व्स, एक जिनको ग्रीन किया हुआ है, एक रेवेन्यू, एक कॉस्ट और एक प्रॉफिट, ये तीनों जिनको ग्रीन कलर दिया हुआ है, ये तीनों को आपने क्यू के साथ लिंक करना है, और क्यू को भी हम ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है ना जी। तो जो जो तीन ग्रीन कलर्स हैं इनको आपने प्लॉट करना है, ये तीन, एक ये, एक ये, एक ये, यानी टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और ये प्रॉफिट, ये तीनों को आपने, तीनों के कर्व बनाने डेटा के साथ। अच्छा, यहाँ पे चेक करें तो टोटल रेवेन्यू का स्टार्टिंग देखें तो जीरो से हो रहा है, ये आपके सामने ये जीरो से हो रहा है और ये भी जीरो से हो रहा है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कर्व जब हम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो टोटल रेवेन्यू कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉजिटिवली स्लोप होगा, कर्व तीनों ही पॉजिटिवली स्लोप होंगे क्योंकि तीनों का आउटपुट के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू कर्व आ गया आपके पास, और फिर आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व है, तो टोटल कॉस्ट कर्व देखें यहाँ पे, टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, टोटल कॉस्ट जो है वो 40 से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं पे 40 फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ कि ये 40 है, तो ये टोटल कॉस्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब ये दोनों कर्व्स जो हैं देखें तो दोनों ही लीनियर हैं, नॉन लीनियरिटी नहीं है इसमें, कोई बैंड नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जहाँ बोथ कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखिए बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स वुड इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के क्या हो जाएगा, बराबर, बस टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जहाँ बराबर आ गया वो ब्रेक इवन आपका पॉइंट होगा। तो अब ये आप मुझे बताइए ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, ठीक है। और ये यहाँ पर जो हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे और आउटपुट आएगी, वो जो आउटपुट होगी वो ब्रेक इवन आउटपुट होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक इवन आउटपुट कितनी होगी, तो ये 10 होगी जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हुए हैं, ये वाली, ये है ब्रेक इवन आउटपुट, ठीक है ना जी, ये 10 होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखें टोटल रेवेन्यू भी 50 है और टोटल कॉस्ट भी क्या है 50 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए अगर समझना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चेक करें कि वैल्यू क्या होगी, तो आप खुद आप डाटा लेके प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वैल्यू फिर क्या होगी, भला यहाँ पर 50 होगी, इसका मतलब इस जगह पर टोटल रेवेन्यू भी 50 होगा और टोटल कॉस्ट भी क्या होगी 50 होगी, और ये बात हमें यहाँ टेबल से नजर भी आ रही है, ये देखें ये भी 50 है और ये भी 50, क्लियर, ये आपको क्लियर होगी बात कि ये ए पॉइंट जो है एट, यहाँ लिख दूँ एट पॉइंट ए टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एंड व्हाट डज इट शो, इट शोज जीरो प्रॉफिट, है ना, जीरो प्रॉफिट मींस ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। तो ए पॉइंट क्या है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा जी, तो और यहाँ पर जो ए पॉइंट के ऊपर ही जो ब्रेक इवन आउटपुट आई है वो कितनी आई है, 10, ये आपके सामने नीचे नजर आ रही है आपको, ये 10 है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये टोटल, अच्छा अब यहाँ पे ये है कि इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, आउटपुट क्यू, या इसको मैंने भी बताया इसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक
ठीक है ना जी। अच्छा अब जैसे हमने इधर एक्सटेंड किया था कि पहले 10 तक लेके गए थे, ब्रेक इवन पॉइंट तो हमें मिल चुका है, अब 20 पे चेक करते हैं जैसे इस टेबल में नजर आ रहा है। तो फर्ज करते हैं हम आउटपुट जो है वो यहाँ पर 10 के बजाय क्या कर देते हैं 20, तो 20 पे चेक करते हैं क्या पोजीशन है 20, इस 20 आउटपुट को पे चेक करें तो टोटल कॉस्ट कोई होगी यहाँ पे, ये टोटल कॉस्ट होगी है ना जी। और ये फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, चेक करते हैं यहाँ पे, तो वो 60 है, ठीक है जी। ये क्या है टोटल कॉस्ट, तो ये यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट चेक की है वो 60। आप डाटा में खुद प्लॉट करेंगे ना वैल्यूज तो आपको नज़र आ जाएगी 60 आएगी यहाँ पे। और इसी पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड कर लें, ये इस पॉइंट को हम सी पॉइंट का नाम दे देते हैं, और इसको अगर हम टोटल रेवेन्यू के साथ एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये इस जगह पर टोटल रेवेन्यू जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें तो वो आ जाता है हमारे पास 100, ठीक है ना जी, तो 100 आ जाता है। रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्राइस यहाँ लिख दिया मैंने, प्रॉफिट रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो टोटल रेवेन्यू की आ रही, तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आई है यहाँ पे 100 और इस जगह पर टोटल कॉस्ट की वैल्यू आई है 60। यानी ये जो पॉइंट है इसको हम, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो बी पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है 100, बी पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है 100, और सी पॉइंट पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो आ रही है 60। तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट ए है, ये तीन पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है, यानी दोनों कितने आ रहे हैं 50-50 आ रहे हैं, तो इस जगह पर तो मसला कोई नहीं है, ये 50-50 ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ए पॉइंट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इस जगह पर 20 आउटपुट लेवल पे चेक करें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है तो उसको हमने ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना जी, वाई एक्सिस जैसे बढ़ता है तो रेवेन्यू को भी हमने वर्टिकली पढ़ना है लेकिन आउटपुट को हमने हॉरिजेंटली पढ़ना है। तो आप चेक करें के बी और सी पॉइंट जो हैं इन दोनों के दरमियान में आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि ये तो आउटपुट लेवल जो है वो, ये तो ए पॉइंट की कहानी है ना। अब अगर हम बी पॉइंट की कहानी पे आ जाएं तो एट इस जगह पे आउटपुट कितनी आ जाती है 20 आउटपुट के ऊपर आप टोटल रेवेन्यू चेक करें तो वो है बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक है ना, और इस पॉइंट को हम डी पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है। तो ये पूरी लाइन यानी बी से लेके यहाँ तक ये टोटल रेवेन्यू है, और अगर इसी बी डी को इधर चेक करें तो ये कितना आ रहा है 100 के बराबर आ रहा है ना। तो बी से लेके डी तक कितना पॉइंट आ रहा है 100, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना आता है 100। और टोटल कॉस्ट अगर हम चेक करें तो टोटल कॉस्ट आ रही है जी बी से लेके सी से लेके और डी तक, तो सी से लेके डी तक इधर चेक करें तो जवाब आता है 60 है ना। तो ये सी से लेके डी तक है आपकी टोटल कॉस्ट और ये आती है 60। और अब हमें पता चल गया कि जो बी डी है दैट इज़ ग्रेटर देन सी डी, क्योंकि बी डी कितना है, बी डी है 100 और ये कितना है 60। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू कितना आता है 100, टोटल कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कितनी आती है 60 है ना। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाता है 40, तो इस जगह पर प्रॉफिट कितना है 40 है, समझ गए जी। और ये 40 हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये देखें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये दोनों का डिफरेंस अगर हम चेक करें तो ये आपके पास
40 को शो करता है। क्यों भला? क्योंकि यहां पर बी पॉइंट पर आ रहा है 100 और इस सी पॉइंट पर आ रहा है 60, तो 60 में से 100 में से 60 माइनस करें तो जवाब आता है 40। तो ये एक्चुअली ये डिस्टेंस जो है ये शो किसको कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है, ठीक है ना जी। और इस जगह पर ये डिस्टेंस मौजूद नहीं था, किस जगह पर, ए पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट क्या है, बराबर है। अच्छा, अभी अगर आप चाहें तो इसको मजीद भी देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कि इसमें से प्रॉफिट का कर्व भी बना दें, तो प्रॉफिट का कर्व बनाएंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस 40 से शुरू हो रहा है, तो माइनस 40 हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस 40 है और उसके बाद प्रॉफिट का भी आउटपुट के साथ चूँकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो जब वो आप फाइंड करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पे कि कैसे। तो अब यहाँ से आपने ये प्रॉफिट का कर्व बनाना है। मैं प्रॉफिट का कर्व किसी और लाइन से शो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू लाइन से शो कर देते हैं प्रॉफिट का कर्व, ठीक है ना जी। तो ये प्रॉफिट का कर्व है, ये आपके पास प्रॉफिट का कर्व आ गया, ये आप बनाएंगे इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें जरा मजीद कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, यानी एट आउटपुट जीरो, तो जीरो आउटपुट लेवल, ये जीरो आउटपुट लेवल है ना ये वाला, तो इस पे प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिट जो है वो माइनस 40 आ रहा है, यानी लॉस में शो कर रहा है जीरो आउटपुट के ऊपर। ये आप चेक भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से एट आउटपुट इज इक्वल टू 10, तो ये 10 पे देखें तो ये प्रॉफिट कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जा रहा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, जीरो। तो इसका मतलब इस जगह पर इस जगह पर प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, इस जगह पर प्रॉफिट आ गया जीरो, और जीरो का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे वो वेरीफाई भी हो गया कि जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं वहाँ पर प्रॉफिट चेक करें जाके तो प्रॉफिट वहाँ पे जीरो होता है, ये आपके सामने यहाँ प्रॉफिट क्या आ रहा है, जीरो। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम Q को 20 पे देखें तो ये 20 है ये वाला पॉइंट, तो 20 पे प्रॉफिट देखें ये इतना आ रहा है, और इस जगह पर ये एग्जैक्टली देखें इसके साथ ये मैच करेगा, ये देखें 40 प्लस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव प्रॉफिट को शो कर रहा है यहाँ तक, दिस इज प्रॉफिट इज पॉजिटिव, यहाँ प्रॉफिट जीरो है, और जीरो आउटपुट पे चेक करें तो प्रॉफिट क्या है वो नेगेटिव, और यहाँ पे चेक करें तो प्रॉफिट 40 नज़र आ रहा है आपको, है ना, ये 40 जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 आउटपुट पे अगर हम चेक करें तो प्रॉफिट कितना आता है, प्लस 40 आता है, जो कि पॉजिटिव किसको शो करता है, प्रॉफिट को शो करता है, ये ज़ीरो प्रॉफिट को शो करता है और ये नेगेटिव प्रॉफिट को शो करता है, और नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब लॉस होता है, नेगेटिव प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, लॉस। ये ब्रेक इवन आउट पॉइंट होता है ज़ीरो प्रॉफिट, और ये पॉजिटिव प्रॉफिट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो, ये लिमिटेशंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, तो लिमिटेशंस ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, इसमें जारी सी बात है, इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक
जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट कहाँ पे लेके जा रही है, पॉजिटिव कहाँ उसका हो रहा है, नेगेटिव प्रॉफिट कहाँ आ रहा है और जीरो कहाँ हो रहा है। लेकिन इसमें हमने फर्ज किया था कि जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट कर्व जो है वो लीनियर आया था आपके सामने, है ना। तो इसमें इसका मतलब ये है कि हमने इसमें फर्ज किया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मींस एबीसी, वो चेंज नहीं होती। और आपने देखा था ना कि वो वहाँ पे एबीसी का जो कॉलम हमने बनाया था वो सब जगहों पर, एबीसी का कॉलम जो बनाया था ये देखें, वो सब जगहों पे वन आई थी। ये चेक करें, एबीसी का कॉलम चेक करें इसके अंदर, दिस वन, ये एबीसी का कॉलम है सेकंड लास्ट। इसमें चेक करें तो सब जगहों पे ये क्या आ रही है, वन। तो इसका मतलब ये है कि इससे आगे भी अगर हम चलेंगे तो ये वन नहीं आती जाएगी सब जगहों पर। तो एबीसी कांस्टेंट रहा। एबीसी कांस्टेंट होने की वजह से आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व था वो लीनियर हुआ था। तो एक्चुअली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट कर्व लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ब्रेक इवन एनालिसिस नॉन लीनियर करना चाहें तो वो भी हो सकता है, वो मैं अभी थोड़ा सा करके दिखा भी देता हूँ। लेकिन इस बुक के अंदर आपको सिंपली ये बताया गया हुआ है कि जो है टोटल, ये देखें यहाँ पे ये बताया आपको कि टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो लीनियर है। ये आपके सामने टोटल कॉस्ट कर्व है और ये लीनियर है आपके सामने, इसमें कोई बेंड नहीं है। और टोटल रेवेन्यू कर्व भी जो है वो भी लीनियर है, और प्रॉफिट कर्व भी है वो भी लीनियर है। तो ये तीनों पे ही लीनियरिटी पे ही बात कर रहा है लिमिटेशन में, कि ये भी लीनियर है, ये देख रेवेन्यू कर्व भी लीनियर है। इस पे भी उसने इतराज़ किया है कि ये नॉन लीनियर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस लीनियर होने की वजह ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती। तो वो कहता है ये तो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो जो आउटपुट चेंज होगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है, जो हमने कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ा था। तो इसका मतलब क्योंकि क्यों चेंज होती है, क्योंकि एफिशिएंसी चेंज होती है, या हमने एफिशिएंसी के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। ये टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो उसकी डिफरेंट एफिशिएंसीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, यानी अब ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। तो इसमें एक पोर्शन ये था, है ना, इसमें एक पोर्शन आपके सामने ये था, और एक पोर्शन जो है वो, यानी एक पोर्शन ये था, एक पोर्शन ये था, और एक पोर्शन ये था। इन तीनों में एफिशिएंसीज जो थी वो डिफरेंट आई थी। इन तीनों के अंदर एफिशिएंसीज का जो मेयार था वो डिफरेंट था, जो कि हमने डिस्कस किया था, जिसकी रीजंस भी हमने डिस्कशन में लेके आए थे पहले। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट कर्व नॉन नॉन लीनियर होता है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है वहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। तो ये हमने चीज़ें पहले डिस्कस की हुई हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें, ये है कि जब आपका टोटल कॉस्ट कर्व नॉन लीनियर होता है तो उस वक्त डिफरेंट एफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन जब आपका टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो लीनियर होता है तो उस वक्त जो है वहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। तो ये चीज़, इसी वजह से कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि वहाँ पर चूंकि हमने कॉस्ट कर्व को क्या किया हुआ है, लीनियर रखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे एफिशिएंसी भी क्या है वो सेम रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि आउटपुट के साथ, आउटपुट में चेंजेस आने के साथ साथ एफिशिएंसी चेंज होती है, इसलिए एक्चुअली जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो लीनियर नहीं होता, वो नॉन लीनियर होता है। इसी वजह से उन्होंने इस पे एतराज़ किया लिमिटेशंस के अंदर कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती होती रहती है और एफिशिएंसी भी चेंज होती है, इसलिए लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व का होना मुमकिन नहीं है। ये पहला एतराज़ था। दूसरी बात, इसमें यहाँ पे ये फ़र्ज़ किया गया था, आपको याद है कि टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो लीनियर था, तो टोटल रेवेन्यू कर्व भी जो है वो नॉन लीनियर होता है। चूंकि ये लीनियर क्यों हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस को सेम रखा हुआ था, सेल प्राइस को क्या रखा हुआ था, सेम सेम रखा हुआ था। और वो मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, ये आपको नज़र भी आ जाता है, ये देखें डाटा। और इसके अंदर हमने प्राइस को क्या रखा था, सेम, ये सेकंड कॉलम देखें, प्राइस देखें सेम आ रही है, समझ आ रही है ना बात। तो ये ऑब्जेक्शन इन्होंने किया कि प्राइस तो एक्चुअली वेरी भी करती है, और जब वेरी करेंगे तो मैंने असाइनमेंट दी हुई है आपको, ये देखें इसमें प्राइस हम वेरी कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर, 3 के अंदर। तो ये एक्चुअली इसका फिर टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो एक्चुअल बनेगा, जो कि रियलिटी में या इन इन प्रैक्टिस या दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये थ्योरेटिकल है चीज़ें ज़रा। तो इसलिए यहाँ पर लीनियर होने की वजह क्या थी,
कि प्राइस को आपने क्या रखा हुआ था सेम। तो ये हालांकि एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता है, फर्म या इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइसेस को अपने मुताबिक जो है वो चेंज करती रहती है। तो लीनियर होने की वजह इधर टोटल रेवेन्यू कर्व की लीनियर होने की वजह प्राइस का सेम होना है, जो कि एक्चुअली नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। और इधर जो टोटल कॉस्ट कर्व का लीनियर होने की वजह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चेंज ना होना है और एफिशिएंसी चेंज ना होना है, जो कि दोनों ही गलत बातें हैं। तो इसलिए इन दोनों पे उन्होंने इतराज़ किया है कि लेकिन एवीसी कांस्टेंट रखेंगे तो टोटल कॉस्ट कर्व लीनियर बनेगा, प्राइस को सेम रखेंगे तो टोटल रेवेन्यू कर्व लीनियर बनेगा, ये तो ठीक है बात। लेकिन बात ये कि क्या ये दोनों बातें ठीक हैं, कि कौन सी दोनों बातें, कि क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रह सकती है और फिर दूसरा प्राइस सेम रह सकती है, तो ये दोनों बातें गलत हैं, ठीक है ना जी। और क्योंकि जब भी आप ये जानते हैं कि जब भी फर्म अपनी सप्लाई को बढ़ाती है तो उसके नतीजे में जारी सी बात है सप्लाई जब बढ़ेगी, जब भी आप सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो फिर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे ना। तो ये लॉ ऑफ डिमांड तो हमें यही बताता है कि सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना जी। तो फिर उसके मुताबिक वो डिसीजन करते हैं। तीसरा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन और आखिरी ऑब्जेक्शन ये किया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो आपने सारे टाइम पीरियड में ही फिक्स रखी हुई है। ये बात तो ठीक है कि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है शॉर्ट रन में, लेकिन जब लॉन्ग रन आता है तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है और वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है, ठीक है ना जी। और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर आप अपनी जो है वो ऑपरेशन आप चेंज करते हैं, आप अपना साइज जो है वो चेंज करते हैं, तो उससे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है और वो स्टेप ले लेती है एक और फिर दोबारा फिक्स हो जाती है, क्योंकि नया शॉर्ट टर्म शुरू हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, कि जब भी एक शॉर्ट रन से दूसरे शॉर्ट रन में जाएंगे तो क्योंकि डिफरेंट शॉर्ट रन मिलकर ही लॉन्ग रन बनेगा, तो हर शॉर्ट रन की एक फिक्स कॉस्ट होगी और हर शॉर्ट रन की फिक्स कॉस्ट होगी तो वो स्टेप वाइज बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितना आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाते चले जाएंगे हर शॉर्ट रन से नए शॉर्ट रन में जब आप जाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें वो चीज़ इन्होंने कहा है कि इन्होंने फिक्स कॉस्ट को फिक्स ही रखा हुआ है, हालांकि जब आप एक सिग्निफिकेंट लेवल पर जाके आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो आपको अपना वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है, तो आपको अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन भी चेंज करना पड़ता है सिग्निफिकेंट। जब भी सिग्निफिकेंट राइज होगा स्केल ऑफ ऑपरेशन में तो आपको एडिशनल प्रेमिसेस चाहिए होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए होगा, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फिक्स कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि प्रेमिसेस की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है, तो वो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी, लेकिन वो होगी तब जब आप ऑपरेशन अपनी आउटपुट में बहुत ज़्यादा इजाफा करेंगे, तब आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो स्टेप कर जाएगी अपवर्ड, इसलिए स्टेप्ड कहा है, स्टेप फिक्स कॉस्ट, जो जिसका जिक्र इस में नहीं किया गया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर। तो ये तीन इसकी जनाब लिमिटेशंस थी जिन पे हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम चाहें, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये लीनियर जो हमने दोनों यूज़ किए हैं यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू कर्व भी लीनियर यूज़ किया है और टोटल कॉस्ट कर्व भी, और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फिर लीनियर आएगा, तो अगर हम चाहें तो नॉन लीनियर भी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो सकता है, जो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बना के समझा देता हूँ ऐसे दो मिनट के लिए, तो ताकि आपको ये एक आइडिया भी मिल जाए कि नॉन लीनियर भी हो सकता है, यानी जस्ट वन मिनट, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस इन नॉन लीनियर फॉर्म। तो नॉन लीनियर फॉर्म में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये कैसे चलेगा, ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना जी। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पर रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये आप चेक करें कि टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो इस तरीके से बनेगा, फिर ये नॉन लीनियर होगा, और टोटल कॉस्ट कर्व आप लोगों ने पहले बनाया हुआ है ये नॉन लीनियर ऐसे बनेगा। अब ज़रा देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक ये पॉइंट
और एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट हैं ए और बी जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दो ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये फर्क है, ये भी ब्रेक इवन आउटपुट है और ये भी ब्रेक इवन आउटपुट है, ये दो ब्रेक इवन आउटपुट हमें मिल जाती हैं। समझ आ गई बात आपको? और जब हम इस तरह से बनाएंगे तो इस सूरत के अंदर आपको ये जो कहानी है ये समझ में आ जाती है। तो बहरहाल इस सूरत में इस जगह पर, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है और इस जगह पर भी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है, तो ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स बन जाते हैं। इस जगह पर देखें तो ये कॉस्ट जो है वो ऊपर है, ये जगह पे ये कॉस्ट कर्व है ना, तो और ये रेवेन्यू नीचे है, तो इस हिस्से में यानी इस हिस्से के अंदर जो है वो टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है? नेगेटिव है। और इस हिस्से में देखें, इस हिस्से में भी यही हो रहा है कि कॉस्ट ऊपर है रेवेन्यू से, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट क्या है? नेगेटिव है। और अगर इस हिस्से में देखें सारे, तो इस हिस्से में रेवेन्यू कर्व ऊपर है और कॉस्ट क्या है? नीचे है। ये देखें, ये रेवेन्यू कर्व जा रहा है ना, ये वाला, ये सारा ये रेवेन्यू कर्व जा रहा है, ये वाला ये रेवेन्यू कर्व है। और अगर हम ये नीचे देखें तो ये वाला जो कर्व जा रहा है ये कॉस्ट कर्व नीचे है, ये यहाँ तक, ठीक है ना? तो ये सारा हिस्सा बता रहा है कि इस जगह पर रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इस जगह पर प्रॉफिट क्या है? इस जगह पे प्रॉफिट पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव प्रॉफिट है। और इस इन इन जगहों पर जो है वो, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों जगहों पर क्या है? बराबर है। इस जगह पर भी रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है और इस जगह, तो नॉन लीनियर के अंदर अंदर हमें दो ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल जाते हैं।